श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे। जब हमारी जानकारी पूरी होती है स्पष्ट होती है तब हमारे मन में टेंशन नहीं होता, हम चिंता नहीं करते। जब जानकारी पूरी नहीं है तो चिंतन तो नहीं करेंगे, चिंता करेंगे। और हमने आपको कल बताया चिंता की परिभाषा क्या है। चिंता माने जो समस्या नहीं है उस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न। जैसे मरने के बाद क्या होगा, चिंता लगी। कल परसों एक लड़का हमको मिला था, बिट्स पिलानी में हम गए थे और वहां सब पढ़ रहे, सब कुछ चल रहा है, अब उनके एग्जाम चल रही है। वो आकर के मुझे बड़ा गंभीर होकर के पूछता है, स्वामी जी क्या आप बता सकते हैं मरने के बाद क्या होता है। हमने कहा पहला मुझे भी यही इंक्वायरी, तुम पहले मरो मुझे भी बताओ क्या होता है। हम जिंदा रहना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं। देखो भगवत गीता पढ़ो तो जिंदा रहने की बात करो, मरना है तो भागवत पढ़ो। भागवत में बताते हैं कैसा मरना चाहिए, क्षण क्षण में मरो, सुबह चाय में भी मर गए, चाय में चीनी ज्यादा हो गई मर जाए। अरे कभी तो जीना सीखो। जब हम बच्चे थे तब हम मरते थे कि बड़े हो जाए, फिर हम बड़े हो गए पढ़ लिया, फिर मरते थे कि शादी हो जाए, फिर शादी हो गई, फिर मरते थे कि बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए, फिर मरते थे कि बच्चे बड़े हो जाए, बच्चे बड़े हो गए, फिर मरते थे कि बच्चों की शादियां हो जाए, फिर उनकी शादियां हो गई और फिर हमने देखा हम तो कभी जिए ही नहीं, मर ही मर रहे। देखो महाराज, इसीलिए तीन बातें स्पष्ट होनी चाहिए। गंतव्य स्थान, हमको कहां जाना है। दूसरा, उस गंतव्य स्थान को जाने का जो नक्शा है, रोड मैप जीपीएस, वो स्पष्ट होना चाहिए। और तीसरा, जो जा रहा है वो कौन है। तीन बातें स्पष्ट होगी तो आपको चिंता करने का सवाल ही नहीं। अब ये इसका जरा अर्थ स्पष्ट समझते हैं। एक बार हम जर्मनी में थे, वहां हमारा मेडिटेशन का नाटक चल रहा था, तो उसमें एक अम्मा ने मुझे कहा, स्वामी जी कहाँ गए थे आप। मैं बाथरूम गया था। क्यों? बोले नहीं नहीं इतने सालों तक कहाँ गए थे, आप यदि मुझे 25 साल पहले मिलते तो मैंने कहा फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, फिर बात कैसी है, यदि 25 साल पहले मुझे मिलते तो मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं करती। तो उसने 3 बार डाइवोर्स किया। तो फिर मैंने उनको पूछा, अच्छा तुमने तो पूछ लिया, अब मुझे भी पूछने दो। देखो चिंतन करने वाला व्यक्ति अपने हरेक अनुभूति से सीखता है और चिंता करने वाला व्यक्ति उसने सीखने की प्रक्रिया बंद कर दी है। जिसने सीखने की प्रक्रिया बंद कर दी है वो हो गया बुढ़ाओ, और जिसने सीखने की प्रक्रिया जारी रखी है वो है जवान या बालक। कुछ ना कुछ सीखते रहो जिंदगी भर, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। हमारी ये बात सुनकर के एक सज्जन, हमारे बंबई की बात है, सिंधी बूढ़ा हुआ, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपकी बातों से मैं बड़ा प्रभावित हो गया हूं और इसीलिए मैंने सीखने को प्रारंभ कर दिया।
क्या सीखने को शुरू कर दिया? मैंने संस्कृत सीखना शुरू किया। सिंधी हो और संस्कृत सीख रहा हो, देखो सिंधियों में संस्कृत संगीत एस के साथ कोई संबंध नहीं है। तो हमने कहा फिर क्यों संस्कृत सीख रहे हैं आप, कोई दूसरी चीज मिली नहीं? बोले नहीं, हमने सुना है कि स्वर्ग में लोग संस्कृत बोलते हैं, वो मरने के बाद वहां जाएंगे तो ठीक काम हो जाएगा, इसीलिए संस्कृत सीख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हमने कही थे, बहुत बढ़िया बात, हमने भी कभी नहीं सोचा, आप धन्य हो। फिर हमने कहा कि देखो बाबूजी, हम तो यही चाहते और ऐसा ही होगा, स्वर्ग में ही जाओगे, लेकिन प्लान बी समझो, समझो आप नरक में गए तो? बोले सिंधी मुझे आती है। देखो, हम तो जीवन में सीखते रहना है, सीखते रहना है। तो जब आप सीखते रहोगे तो ये अनावश्यक चीजों में हम नहीं जाएंगे। सीखना माने अपने अनुभव से सीखना। देखो अब कौन सा अनुभव है जिसके बाद जिससे हमने कुछ नहीं सीखा आज तक? आज तक हमने कितनी अपनी इच्छाओं को पूरा किया है? एक हजारों इच्छाओं को पूरा किया है, लेकिन क्या हमारे अंतकरण में कृतकृत्यता फुलफिलमेंट कभी आई है? हमारा जो गणित हमने बना के रखा है ना, वो है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। इट इज अ रॉन्ग इक्वेशन, और इसी को लेकर के पूरा जीवन चल रहा है, ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, और आज तक हमने सीखा नहीं। इसीलिए पहली महत्व की बात, जिसको लेकर के हम परेशान हो रहे हैं, पहले ढूंढो तो सही कौन है वो। तो इस जर्मन अम्मा को हमने कहा हम आपके अनुभव से सीखना चाहते हैं। जो अपने भी अनुभव से नहीं सीखता वो संसारी है, जो किसी अन्य के अनुभव से भी सीखता है वो साधक है। शराब पीने से बर्बादी होती है ये समझने के लिए शराब पीने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में बहुत गिनीपिग्स है जो आपके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनका डाटा इकट्ठा करो और शराब पीना छोड़ दो, सिंपल बात है। उसके लिए स्वयं पीने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमने कहा कि देखो आप हमको बताओ, हमारा प्रश्न ये है, आप पहली बार शादी किए तो समझो आप वाइफ नंबर वन, तो W1H1N1 था W1, और फिर आपके जो पति पावन सीताराम थे वो हस्बैंड, तो वो हस्बैंड हो गए H1, तो कौन सी पेयर हो गई पहली? W1H1 पहली शादी वो खत्म हो गई, फिर दूसरी शादी, फिर W2H2 सेकंड पेयर, फिर तीसरी शादी W3H3 तीन शादियां हो गई, अब वो भी टूट गई। अब मेरी समस्या ये है कि पहली पत्नी W1=W2=W3=what? क्या ये तीन पत्नियां सेम थी कि अलग थी या थी कभी? पत्नी नाम की कोई वस्तु नहीं है, पति नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो ये व्यवहार के लिए सब आवश्यक है, लेकिन उसको सत्य जब मान के बैठते हैं ना, तब आदमी रोने लग जाता है। जैसे कल परसों हमने आपको उदाहरण दिया था, हम लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा ज्ञान क्या होता है, देख रहे हैं दर्पण को, लेकिन देख रहे हैं दर्पण में, लेकिन देख रहे हैं प्रतिबिंब को नहीं, अपने को देख रहे। लेकिन उसी स्थान पर एक चिड़िया हो तो वह चिड़िया ये समझेगी कि दर्पण में रहने वाला जो प्रतिबिंब है वो सत्य है, और उसको सत्य मानने के बाद फिर उसके साथ झगड़ा शुरू हो गया। वो कहां से आई, क्यों आई, मेरे कॉम्पिटिटर है क्या, फिर चिंता शुरू हो गई। यदि वही चिड़िया चिंतन करती कि जैसे मैं हिल रही हूं वैसे वो हिल रही है,
जैसे मैं मूल खोलती हूँ वैसे वो खुल रही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ये सत्य है कि प्रतिबिंब है? इसी प्रकार से जब हमने अपने जीवन के अनुभूतियों को जगत के साथ तालमेल किया और ये पता चला कि जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। बड़ी सिंपल बात है, आपने जिसको महत्व नहीं दिया है वो आपको दुख नहीं देगा। और यदि हमने ये कल्पना कर ली कि ये जगत सत्य है और इसी को पकड़ के बैठे हैं तो जिंदगी और बैठे और कुछ नहीं होने वाला। देखो संतों, चिंतन के द्वारा हम अपने पास पहुंचते हैं, चिंता के द्वारा हम अपने से दूर भटकने लग जाते हैं। और यह जो प्रक्रिया है अपने पास पहुंचने की, उस प्रक्रिया को भगवद गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्चते। इसीलिए चाहे कर्मयोग रहे, चाहे भक्ति योग रहे, चाहे अष्टांग योग रहे, इन सब का तात्पर्य अपने मन के संतुलन को बनाए रखना। जैसे आपके घर के बगल में कोई डिस्को पार्लर हो तो आपको बिना कोई खर्चा किए वहां के सब गाने फ्री में मिलेंगे ना। इसी प्रकार से मन का पड़ोसी परमात्मा है। बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन उस मन में रहने के स्थान पर हम मन की जो वृत्तियां है उसी में फंसे रहते हैं। और इसीलिए कोई भी मार्ग ले लो आप, हर एक मार्ग में यही बताते हैं भैया जगत में रहते समय अपने मन के संतुलन को बनाया। तो साधना क्या हो गई, चिंता करना नहीं मरने के बाद क्या होगा, जिंदा हो तब कुछ हुआ क्या, ओ, ये जो समाज सेवा करने वाले होते हैं ना, हमको बड़ा मजा आता है उनके साथ। समाज सेवा करने वाले हमको एक बार पूछ रहे थे, स्वामी जी आप भगवान कृष्ण के बड़े भगत हो, कन्हैया कन्हैया करते हो, आपका कन्हैया कब अवतार लेने वाला है? क्यों, क्या जल्दी है? उसने कहा अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। जल्दी क्या है, बोले इतना भयानक समय आ गया है और फिर भी नहीं लेगा। हमने कहा प्रभु ये बताओ क्या पहले ऐसा समय नहीं था? मुझे नहीं लगता ऐसा समय है, बाद में ऐसा समय नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं। इतना खराब समय तो आ ही नहीं सकता। पहले आप थे नहीं, बाद में आप रहोगे नहीं, अभी समय खराब है और आप हो, उसका कारण क्या निकला? आपके कारण समय खराब है, स्वयं बदलो, दुनिया बढ़िया है। और हमारी चिंता है दुनिया को ठीक करना। देखो ये दुनिया के चक्कर में आज तक कोई सफल नहीं हुआ। हमको पढ़ने के लिए ठीक है, अपने जीवन को चलाने के लिए राम राज्य था, राम राज्य में भी धोबी था। देखो महाराज वो राम राज्य कहां चला गया? यदि वो सत्य था तो कैसे मिटा? उसी प्रकार से भगवान का समय, भगवान को पता था भगवान कृष्ण सबसे दुखी या कष्टदायक जीवन किसका रहा होगा तो हमारे कन्हैया का। भगवान राम के जीवन में कोई कठिनाई नहीं थी, असली कठिनाई भगवान कृष्ण के जीवन में थी। कैसे? ट्राई करके देखो 16108। इससे और बढ़कर की क्या नहीं हो सकते थे? और एक एक से 10+1 11 बच्चे। और जब भगवान ने अपनी लीला का संवरण करने का निर्णय ले लिया तो उनको पता था कि ये मेरे जो बच्चे हैं ये भयानक हो गए, इनमें मेरी शक्ति है, ये किसी की बात नहीं मानेंगे, उद्दंड हो जाएंगे, दुनिया का सत्यानाश करेंगे। इसीलिए भगवान ने लीला करी कि इनको मरवा डालो, अपने आप में झगड़वा झगड़ा करवा करके, और पूरा प्लानिंग किया और प्लानिंग करके प्रभास क्षेत्र में सबको ले गए। वहां जाने के बाद फिर ये वहां दारू पीना ये करना सब शुरू कर दिए
और जब भगवान कृष्ण समझाने गए तो उनके ऊपर भी हाथ उठाने को उन्होंने पीछे आगे नहीं देखा और झगड़ा करके एक दूसरे को मार मार के खत्म करना चाहते थे सभी भाई भाई। भगवान कृष्ण का प्लान था ये कि सब आपस में लड़के मर जाएंगे तो पृथ्वी इनसे बचेगी, लेकिन भगवान वहां भी फेल हो गए। भगवान के पुत्र यादव कहलाते हैं। देखो भगवान यदुकुल उत्पन्न है तो यदुकुल में उत्पन्न को यादव कहते हैं। उसमें से जो बचे थे अभी भी बचे, और देखो सब जगह ये झंझट हो रही है किसी के कारण हो रही है। इसीलिए जिस दुनिया को भगवान नहीं ठीक कर सका आप हम ठीक करेंगे, तो फिर हम काहे को हैं इस दुनिया में। दुनिया की चिंता मत करो, अपने चिंतन से अपना उद्धार करो। भगवान राम का चरित्र तुलसीदास जी महाराज ने समाज सेवा करने के लिए नहीं लिखा। स्वांत सुखा ये तुलसी रघुनाथ, अपनी शांति के लिए। हम तो अपने शांति का तो ध्यान नहीं रखते और दुनिया को शांत करना चाहते और इसीलिए चिंता करते हैं। और क्या चिंता करते हैं? ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भैया जो जैसा है ना उसमें मस्त रहो, आप चिंता करना छोड़ो। और आप सभी भाग्यवान है वाराणसी में रहने वाले। वाराणसी में रह करके आदमी दुखी नहीं हो सकता, जगत में कहीं भी रह करके दुखी हो सकता है। वाराणसी में आपको एक भी आदमी दुखी नहीं दिखेगा। एक गाड़ी दूसरे से टकराती है, रिक्शा गिरती है, सब कुछ होता है। अभी भी हम गए थे वो कहीं एक स्थान पर, वॉचमैन था उसे कुछ पूछ रहे थे कि कहां से मंदिर में जाना, तो हमें कहा फोन खराब हो रहा हो। यहां लोग इसलिए झगड़ा नहीं करते कि हरे की मुंह में पान होता है, तो यदि भगवान का चिंतन करना है तो पान खाओ। खामो खाम की बातों से मन को हटा, नेट इज कीप योरसेल्फ कूल। और जैसे जैसे आप शांत रहना शुरू करोगे वैसे वैसे शास्त्रों के सिद्धांत आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। और शास्त्रों के सिद्धांत क्या बताते हैं? सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते कर्म मार्ग आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सयोगी परमो मतः योग मार्ग। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् भक्ति मार्ग। और विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः हितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। तो जितनी भी साधना है आपकी, कोई भी मार्ग ले लो आप, उसका प्रभाव अंतःकरण के समत्व पर हो तब हम साधना कर रहे हैं। और ऐसा हमारा मन यदि हम हर हाल में शांत प्रसन्न रहेंगे, भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याचु बुद्धि परिअवतिष्ठते। प्रसाद के बुद्धि के द्वारा, प्रसाद बुद्धि किसको कहते हैं? देखो जब हम जाते हैं किसी मंदिर में, इस बार हम गए थे द्वारका जी, और वहां बेट द्वारका में हम गए। सुबह हम तैयार हो गए थे 5 बजे के, ये मुख्य बड़ी द्वारका। फिर हमारे साथ जो सत्र थे हमने कहा चलो जाते हैं। बोले स्वामी जी वो तो 10 बजे खुलता है। हमने कहा यार रोड़ा मत कहा करो, हम जो कहते हैं करा करो, सीधी बात पृथ्वी पे चलते हैं। हम निकल पड़े, वो बेट द्वारका पहुंच गए। जैसे पहुंचे वहां बोट खड़ी थी और निकलने ही वाले थे, हम दूर से चिल्लाए रुको रुको रुको, हम दौड़े भागे गए बैठे। जैसे क्रॉस होकर के चले गए, रिक्शा वाला कहता है बाबूजी चलो हम आपको अभी दर्शन कराते हैं, नहीं तो 10 बजे तक बैठना पड़ेगा।
हम कूदे रिक्शा में, वो ले गया कहां कहां से, गली से, जैसे वहां गए वहां का वॉचमैन कहता है जूते बीते बाहर छोड़ो दौड़ो आरती चल रही है। और हम जब वहां आरती में गए प्रसाद पाया, आहा इतना आनंद आया। प्रसाद जब व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है। प्रसाद किसको कहते हैं? जो मिलने से हम प्रसन्न है, पहली बार जो मिलने से हम अपने को भाग्यवान समझते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार हम प्रसाद को इंप्रूव नहीं करना चाहते। तो बीदर में सरदारों का जीरा साहब एक गुरुद्वारा है, बहुत सुंदर है, पवित्र है। वहां की जितने भी रागी ज्ञानी है हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र है, हम जब जाते हैं वहां तो प्रसाद खाना है ना तो गुरुद्वारे में जाओ, बढ़िया इतना सारा मिलता है, ऐसे नहीं कि चम्मची इतना से दे दिया, मिलता भी नहीं दरिद वहां, बढ़िया असली घी भी बनाया हुआ इतना हाथ से भर कर के लो। तो जब वो प्रसाद देते हैं तो हम कहते हैं कि उनको अरे साजी एदे नाम थोड़ा अचार पा दो, भी कहते हैं कि इस अचार इसके साथ थोड़ा अचार भी दे दो तो टेस्ट अच्छी आएगी। प्रसाद को हम इंप्रूव नहीं करते, जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। और सबसे महत्व की बात, प्रसाद का हम तिरस्कार नहीं। अब ये प्रसाद बुद्धि जीवन में उतारो, आप चिंतन में लग जाओगे। क्या प्रसाद बुद्धि है? जो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है वो हमको मिलेगा और मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए भिन्न परिस्थिति आवश्यक होती है। देखो इसके बाद आपको एक मैं अपना अनुभव बताता हूं। एक बार हम हॉस्पिटल में थे, बीमार थे, हमारा मध्य प्रदेश में गड़बड़ी कर रहा, तो बगल में जो दूसरा पेशेंट था और उस पेशेंट में उसको कुछ उसके दांत टूट गए थी तो वो भी वहां बैठा हुआ था। तो खाना जब मिलता था तो उसको बढ़िया बढ़िया खाना मिलता और हमको बार्ली वाटर और उबला हुआ चावल का पानी। हमने एक दिन खा लिया, दो दिन खा लिया, और वो आदमी उस गरिष्ठ खाने को खा करके तंग आ गया और मेरा ध्यान बहुत उसी पर जाता, बढ़िया दे रहा बिल्कुल। एक दिन उसने कहा मैं नहीं खाना खाऊंगा। हमने कहा देखो अन्नम ब्रह्मेति व्यजाना, अन्न ब्रह्म है, उसका तिरस्कार मत करो, लाओ मैं खा लेता। अच्छा हमने खा लिया और सब हमारे जितने भी रीडिंग थे एकदम आउट हो गए, इमरजेंसी हो गई, डॉक्टर दौड़ के आए और फिर क्या हो गया, फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर उन्होंने हमारे मुंह में ट्यूब डाली, उधर से सक्शन पंप के डाला, पानी डाल करके सब कुछ धो धा करके किया, इमरजेंसी से हम बच गए। उसके बाद डॉक्टर साहब नर्स को डांटने लगे, मैं तुम्हारा बैड रिपोर्ट लिखूंगा। हमने कहा डॉक्टर साहब उसको मत डांटना, उसने कुछ नहीं किया, मैंने ही खाया, क्योंकि मुझे आप इतना घटिया खाना देते थे, मैं बाबा जी हूं इसका मतलब थोड़ी है ऐसा घटिया खाना देते। उसको तो कितना बढ़िया खाना देते थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि महाराज जी मुझे लगा आप समझदार होंगे। हमने कहा यह आपकी गलती है, कोई भी बाबा जी समझदार नहीं होता, जो समझदार होता है वो शादी करते हैं। और उसके पश्चात सीखते हैं कि शादी से कुछ मिलता नहीं, फिर बाबा जी नारायण। तो उन्होंने कहा कि आपको समझ में नहीं आता, आपको मैलीना हुआ है। हमने कहा अरे बढ़िया, जैसे लवीना होता है वैसे मैलीना, बोले योग करने की बात नहीं है, ये बड़ा सीरियस मामला है, आप उल्टा सीधा खाओगे तो मर जाओगे। अब ध्यान से सुनना, हमारे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए जो जो आवश्यकता थी वही तो डॉक्टर हमको दे रहा था, वो क्या हमारा दुश्मन था? इसी प्रकार से हम सभी के सभी यहां
हॉस्पिटलाइज हुए और यहां हमारे उद्धार के लिए हमको जो जो आवश्यकता है वो ही भगवान देंगे। इस प्रसाद बुद्धि को जागृत करो आप तो चिंता करना छोड़ दो। हमारी चिंता इसलिए होती है कि दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, लोगों की बीवी देखो कितनी अच्छी होती है, हमारी ऐसी क्यों? द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ऑलवेज ग्रीन, ऐसे नहीं होता। इसीलिए प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य अपने जीवन में जो कुछ आ रहा है उसको प्रसन्नता से स्वीकार। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगर्ध्यते। तितिक्षा का अर्थ सहनशीलता मात्र नहीं है। देखो जैसे कहते हैं ना, स्त्री नारी शक्ति होती है तो नारी का आदर करना चाहिए। आप हमेशा स्त्री की साइड लेते हो, स्त्री यदि नारी यदि शक्ति है तो पुरुष क्या है? पुरुष सहन शक्ति, उसको सहन सहना होता है। तो केवल सहना मात्र जीवन नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा अपायिना अनित्यांतार तितिक्षस्व भारत। जीवन का कोई भी अनुभव ले लो आप जो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है, उस अनुभूति की जो जीवनी है बायोग्राफी है वो सेम है। हरेक अनुभव सुख दुख दा, चाहे सुख देने वाला हो या दुख देने वाला हो, हरेक अनुभव आता है, थोड़े समय रहता है फिर निकल जाता है, इसीलिए टेम्पररी होता है। तो टेम्पररी अनुभव को लेकर के परमानेंटली दुखी होना ये कोई बात है? इसीलिए भगवान कहते हैं तितिक्षस्व भारत, अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। इट इज ए पेसिमिस्टिक क्राय ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। The real meaning is what cannot be cured should not be endured but should be enjoyed. Conversion of endurance into enjoyment is a process of contemplation. देखो जीवन का कैसा आनंद है। जैसे जैसे आपकी ये प्रसाद बुद्धि जागृत होगी, आपको अपने जीवन के हरेक अनुभूति में परमात्मा का अनुग्रह दिखेगा। जो घटिया प्रकार के भगत होते हैं उनको उनके जीवन में उनके कहने के अनुसार जो हो रहा है तो बापे की बड़ी कृपा, और हमारे कहने के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो भगवान का अनुग्रह नहीं है। जैसे सूर्य अंधकार दे ही नहीं सकता, इसी प्रकार से परमात्मा अनुग्रह के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता। केवल अपनी समझ की कमी है। इसीलिए प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, दुखी होने के स्थान पर उससे सीखो, फिर आप चिंतन में लग जाओगे। एक उदाहरण, एक हमारे मित्र थे और हम बाबा जी बन गए और वो बड़े अफसर बन गए, उनका अच्छा काम भी चल रहा था। तो एक बार हम उनके घर गए तो उनकी एक छोटी सी लड़की बड़ी प्यारी होगी, कोई 7-8 साल की। तो हम लोग निकलते समय मैंने उसको चाबी मारी। हमको शांति अच्छी नहीं लगती, हमको अशांति अच्छी, इसीलिए हम अभी कुंभ में गए थे, बड़ा आनंद आया। चारों तरफ अशांति अशांति, जब आपको अशांति अच्छी लगती है तो आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमको वाराणसी अच्छी लगती है। अच्छा, हम उनके यहां गए, कोई बच्ची को चाबी मिली, हमने कहा देखो बेटा हम लोग जा रहे हैं, अब तुम पापा को नहीं कहोगे कि आते समय पापा मेरे लिए चॉकलेट का बाहर ले आना, तो मिल जाएगा शाम को? ठीक है। बड़ी कूल लड़की, उसने कहा पापा शाम को मेरे लिए चॉकलेट का बाहर जरूर ले आना। अच्छा बेटा,
शाम को हम वापस आ गए, हमको मालूम था उसने खरीदा नहीं, फिर वो मांगेगी, फिर वो नहीं होगा, फिर वो रोएगी चिल्लाएगी, कैसा घर भरा भरा लगेगा। जिस घर में शांति होती है वो स्मशान होता है। घर में कैसा हमेशा धूमधड़ाका चलना चाहिए। एक बार एक पति दरवाजे के बाहर खड़े थे और अंदर से उनके ऊपर में प्रहार हो रहा था, लूटा आया, उसने पकड़ के रख दिया क्योंकि पैसा उसका दर्जा था। फिर बेलना आया, पकड़ के रख दिया। तो दूसरे मतलब उन लोगों ने कहा, अरे यार तू क्यों रिसीव कर रहा, तू दे वो चार। बोले नहीं, इनकमिंग फ्री और वही कॉस्टली। जीवन बड़ा हल्का फुल्का है, सीरियस मत होना लाइफ। तो उस बच्ची को हमने चाबी भर दी और अब देखा कि अब क्या होता है। तो वो गई, पापा मेरा चॉकलेट, ओ डार्लिंग आई जस्ट फॉरगॉट। तो वो अपने शांत होकर के वापस चली गई। तो हमारा प्लानिंग फेल हो गया क्योंकि हम तो अशांति चाहते थे, कुछ नहीं हुआ उसको। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा तुमको चॉकलेट दी नहीं, तुम कैसे शांत हो गई। बोले स्वामी जी वो चॉकलेट लाते तो मुझे आश्चर्य लगता, वो नहीं लाएंगे ये मुझे विश्वास था, तो मेरे विश्वास में कहीं चोट नहीं आई, इसलिए मैं शांत हूं। देखो कितनी बढ़िया बात। तो मैंने कहा तुम ये कैसा करती हो। बोले आप क्या जाते हो दुकानों में, आपने देखा है ना 30% off 40% off, हमने हमारे पापा को 100% डिस्काउंट दे दिया। वो जो करते हैं कभी कहते हैं, वो कभी करते नहीं। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी होगा। हम अनेक लोगों से अनेक प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा का त्याग करो, जीवन में उपेक्षा का रोग नहीं होगा। कितनी अपेक्षा होती है। जैसे हमको कहते हैं, एक बार हम बेंगलोर में एयरपोर्ट पर उतरे, एक सॉफ्टी मिले, सॉफ्टी माने सॉफ्टे रहेंगे, और वो हमको कहते अरे स्वामी जी आप यहाँ कैसे, ये कोई प्रश्न होता है। तो हमने कहा बाय डिफॉल्ट यहाँ है। तो बोले हम तो आपके फैन हैं। हमने कहा फिर घूमते रहो ना, चुप क्यों बैठे, क्यों हो गए क्या। तो फिर आगे कहते हैं आप इतने सालों से गीता पर उपनिषद पर प्रवचन कर रहे हो, लोग बदलते नहीं, आपको दुख नहीं होता। हमने कहा हम बेवकूफ है दुख होने के लिए। देखो हम तो चाहते हैं लोग अज्ञानी बने रहे, क्योंकि आपका अज्ञान ही हमारी खुराक है। देखो डॉक्टर लोगों की प्रार्थना क्या होती है मालूम है ना आपको, सर्वे भवन्तु रोगिणः, सुखिनः नहीं होती, क्योंकि सभी जने हेल्दी हो जाएंगे तो डॉक्टर परेशान हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी बाबा जी आपको कभी आशीर्वाद नहीं देगा कि आपका भला हो, आपका भला होगा किसका सत्यानाश होगा, दुकानदारी खत्म। जिस दिन आपने सिद्धांत को स्वीकार किया है कि जो भी आप कर रहे, ध्यान से सुनना, जो भी आप कर रहे हैं उसकी आवश्यकता दुनिया को नहीं है। फिर क्यों कर रहे हैं, ये अपनी आवश्यकता है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता से कुछ करता है ना, तो उसमें नम्रता होती है, उसमें बड़ा सिंपल व्यवहार होता है। इसका आपको उदाहरण देखना है तो जो लोग अन्य देशों में भ्रमण किए हैं उनको पता है, जब इमिग्रेशन से जाते हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने आते हैं तो अपने में बेस्ट होते हैं, थैंक यू, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, इतना बुरी बुरी बिहेवियर करते हैं, क्योंकि उसमें घुसना है, उसने ना कह दिया तो बाहर हो जाते। तो उस देश में जाने की आवश्यकता अपनी है, उस देश की नहीं। इसी प्रकार से इस जगत में जो भी हम कर रहे हैं ये अपनी आवश्यकता, अपने आप नम्रता आ जाए। इस प्रकार से जैसे जैसे हम अपने जीवन के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाए कि मन का संतुलन बना रहे, तो फिर
अपना मन मालूम है कैसे हो जाता है, दर्पण तुल्य है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्यो भूतम यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये जगत कैसा है, जैसे दर्पण में किसी रास्ते का या नगरी का प्रतिबिंब पड़ा हो। अब ध्यान से सुनना इसको, ये अपने मन को सिखाने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति सीखने में लगा है वही चिंतन कर सकता है, जो सीखने के स्थान पर रिएक्शन करता है वो चिंता करता है। चिंता का जन्म होता है रिएक्शन से, चिंतन का जन्म होता है सीखने की प्रक्रिया से। ये कैसे हो सकता है? तो हमारे जो भी अनुभव है, अब उस अनुभव का विश्लेषण सुन लो। जो हम अनुभव करते हैं वो उस वस्तु का अनुभव नहीं होता, वो केवल प्रतिबिंब का अनुभव है। जैसे दर्पण में केवल प्रतिबिंब होता है, वास्तविक वस्तु नहीं होती। उस वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में जैसा प्रवेश होता है, इसी प्रकार से ये दुनिया प्रतिबिंब के रूप में हमारे मन में अंतःकरण में प्रवेश करती है। तो ये दर्पण में कैसा प्रवेश है वस्तु का प्रतिबिंब के रूप में? इट इज एन एंट्री विदाउट एंट्रेंस। अंदर न जाते हुए भी अंदर गया है, ऐसी भ्रांति तो है, वास्तविक थोड़ी जो अंदर जाता है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, आपको लग रहा है आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप मुझे नहीं देख रहे। आप देख रहे हैं आपके मन पर, आंखों के माध्यम से जो हमारे हमारा जो प्रतिबिंब पड़ा है उस प्रतिबिंब को आप देख रहे हैं। यदि प्रतिबिंब मत पड़ने दो तो हमारा दर्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप केवल हमारे चेहरे पर शरीर पर जो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है उस प्रकाश को ही देख रहे हैं, सूक्ष्मता में चलेगा। और जहां आपने आंखें बंद करी प्रतिबिंब नहीं पड़ा, दर्शन नहीं हो सकता। जहां हमारे पर कोई भी प्रकाश ना हो, अंधकार हो, प्रतिबिंब नहीं दिखे पड़ेगा तो आप नहीं देख पाओगे। तो क्या देख रहे हैं? प्रतिबिंब ही तो देख रहे हैं। माने इंद्रिय मन बुद्धि, इनके माध्यम से जो हमको दर्शन होता है यह केवल प्रतीति है, सत्य नहीं है। जो दिखते हुए भी नहीं होता उसको कहते प्रतीति। देखो, जब ये बात समझ में आएगी ना तो आप चिंता नहीं करोगे। हम मेडिटेशन के लिए बैठे ना तो बड़े बुरे विचार आते हैं, अरे आने तो ना क्यों परेशान होते हो। देखो, ये मन की पीछे मत लगो, बिल्कुल छोड़ दो। जो करना है अपन को क्या करना है, अपने आप शांत होकर के वापस आए। जैसे जैसे आपकी सूक्ष्मता बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पता चलेगा हर एक वृत्ति का प्रारंभ एक व्यक्तित्व से होता है, और वह व्यक्तित्व ही सत्य नहीं है। उस अम्मा से हमने पूछा जर्मन के कि अम्मा मुझे ये बात बताओ, आपने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया, ही वॉज माई सेकेंड हस्बैंड, तो वो जिंदा है, तुम भी जिंदा हो, लेकिन वो अभी पति नहीं है, तो उसको लेकर के तुम्हारे मन में कैसे भाव आते हैं? अरे कुछ ठीक ही है, मैं जब पति था तो क्या प्रॉब्लम थी? बोले वो मुझे समझ में नहीं आता, जब वो पति था तो बड़े झगड़े होते थे, जैसे लीगली वो मेरा पति नहीं, मैं उसकी पत्नी नहीं, हम साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मैं अपना बिल देती हूँ, वो उसका बिल देता है, कोई परेशानी नहीं। तो ये पति या पत्नी नाम की वस्तु थोड़ी है,
लेकिन दुखी होने वाले पति पत्नी है। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि ये सब औपाधिक तमाशा है और कुछ नहीं, इसी को कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरे। लेकिन हमने जो नहीं है उसको सत्य माना और फिर चिंता करने लग गए मरने की बात क्या होगा। जब जिंदा है तब कुछ नहीं हुआ तो मरने की बात क्या होने वाला है। देखो जैसे जैसे आप इस चिंतन में लगे रहोगे आपको अपने जीवन की हर एक अनुभूति में एक डायरेक्शन मिलेगी। यही भगवद गीता का प्रथम अध्याय है। अर्जुन विषाद योगो ना, वह विषाद जो हमको दुनिया से हटा करके अपने स्वरूप के तरफ मोड़ देता है वह विषाद योग है, रोग नहीं है। क्योंकि हमने अपने अनुभूति से सीखा है। तो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी आप एकदम स्पष्ट समझ लोगे भगवान ने भगवद गीता में एक ही बात कही है, मनुष्य मात्र के जीवन के रोग का नाम है ममता। वेस्ट बंगाल में मत चले जाना, यही बैठे हो। तो मनुष्य मात्र के जीवन के रोग का नाम है ममता और उसकी जो दवाई है उसका नाम है समता। बस दो ही बात। ममता से पीड़ित होकर के रहना माने चिंता और समत्व में स्थित होकर के रहना माने चिंतन। अब देखो कहां है हमारा ध्यान, हमारा ध्यान ममता में है या समता में है, किसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। जगत के साथ व्यवहार करते समय हम यहां तो जगत को महत्व दे सकते हैं, यहां तो अपने को महत्व देते हैं, या तीसरा ऑप्शन है हम अपने मन के समत्व को महत्व देते हैं। एक बार कहीं बच्चों का कैंप हो रहा था, बहुत पुरानी बात, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस प्रकार से कि वहां 50 बच्चे आए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि 50 के जगह में 250 बच्चे आ गए। जब 250 बच्चे आ गए तो सब जितना कैलकुलेशन का ऑप्शन हो गया। तो वो होने के बाद सिंपल वे है, ये दूसरे को ब्लेम कर रहा है, उसको ब्लेम कर रहा है। मैंने तुमको कहा था तुम भी मानते नहीं, झगड़ा शुरू हो गया। तो मैंने कहा देखो हम लोग बैठ करके 2 मिनट बात करेंगे। हम लोग एक कमरे में उनको ले गए और उनको पूछा, अच्छा ये बताओ ये कैंप सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ ये हम कैसा सिद्ध करेंगे, क्या उसका मापदंड है। एक एक बताओ, हो गया सिद्ध ऑलरेडी, क्योंकि इतने लोग आ गए, ज्यादा लोग आने से सफल हुआ ये गलती है। देखो कितने लोग आए ये महत्व का नहीं है, क्वालिटी क्या है ये महत्व है। दूसरा कहता है ये है वो है, हो गया हमें सबका हो गया, बोले हाँ अब सुनो हमारी बात। कैंप को प्रारंभ करने के पहले जो हमारे अंतकरण में उत्साह था वही उत्साह पूरे कैंप में बना रहे और कैंप खत्म होने के बाद यदि एक भी व्यक्ति ने ऐसा कहा नहीं रे बाबा अगले बार हम बिल्कुल नहीं करेंगे तो कैंप फेल हो गया। तब जीवन की सफलता है। तो यह कब हो सकता है, जब हमने अपने मन के संतुलन को बनाए रखा। तो जगत को आग लगने दो, अपने मन के संतुलन के साथ कभी मत खेलना। ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं किसने कर रहे हैं, मन के शांति के लिए तो कर रहे हैं। जैसे आदमी शादी करता है किसने करता है और क्या होता है, दोनों का अनुभव आपको है, मुझे दोनों का नहीं। तो जहां ये बात समझ में आएगी आप धीरे धीरे एक एक जो सिद्धांत है भगवद गीता का वो यही बताएगा। अब यहां से हम आ जाते हैं जगत में व्यवहार करते समय हमारा ध्यान मय पर होता है। अब ये मय कौन है, देखो
तो पहली साधना हमने देखी, पहली साधना ये है कि देहात्म भाव की निवृत्ति। अब दूसरी स्टेप जो आती है आध्यात्मिक चिंतन में वो है जीवात्म भाव की निवृत्ति। ये जीवात्म भाव की निवृत्ति यही अल्टीमेट है, लेकिन हमने जीव को ही पकड़ के रखा है। पापो हम पाप करवा, पिछला जन्म ये जन्म अगला जन्म, ये कूड़ा जब तक के दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक के वही तंबाकू वही सुना रगड़ते जाओ खाते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। देखो महाराज, जैसे हर जूते के साथ एक सोल होता है वैसे हर बॉडी के साथ एक सोल होता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्तितं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः क्षेत्रज्ञम् चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम् यत्त ज्ञानम् मतम। दो श्लोकों में भगवान ने पूरा ये सिद्धांत बता दिया कि हे अर्जुन, देह जो है क्षेत्र है, खेती है, और इस देह को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इतना हम सुनेंगे तो क्या समझ होगी हमारी, जितने देह उतने देही, जितने मकान उतने मकान मालिक, जितने शरीर उतने जीव। भगवान एकदम दूसरे श्लोक में कहते हैं क्षेत्रज्ञम सर्व क्षेत्रेषु माम विद्धि, माने हरे देह में अलग अलग जीव नहीं है। देखो ये श्लोक को हम लोग बायपास कर जाते हैं और उसको याद रखते हैं। आठवें श्लोक में मरते समय मेरा स्मरण कैसा होगा, मरने की बात क्यों कर रहे हैं। प्रयाण काल इति कथम नियतात्म भी, मरते समय व्यक्ति आपका स्मरण कैसा करेगा। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तौ, उस चक्कर से ये याद रखना भगवान के शब्द है, मैं ही सब में प्रकट हो रहा। उनके उस शब्दों को महत्व दो ना, उसको तो महत्व नहीं देते। और जो प्रक्रिया है प्रक्रिया को ही हमने सत्य मान के रखा है। देखो प्रक्रिया क्या है, यहां से सुनना, ये चिंतन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है, हमको अपना ध्यान अन्य से हटा करके अपने पर ले आना है। पहला सीधा नॉर्मली साधारण व्यक्ति क्या करता है, अपने दुख का कारण अन्य को बताता है, बिल्कुल सिंपल बात। और जब तक के हम अन्य को अपने दुख का कारण बताएंगे तब तक के हमने चिंता करना नहीं छोड़ा। फिर हमारी साधना क्या होगी, पता नहीं आजकल के लोग ऐसे क्यों है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। देखो ये जो धर्म धुरंधर हो गया ना, वो इसी में बसे रहते। एक बार कहे की बात है, उन्होंने हमको बुलाया और जब हम जा रहे थे तो हमको ब्रीफ किया ऑन द वे, स्वामी जी आप एक बात जरूर बता क्या, ये लड़की आजकल जो बाल काटती है ना ये अपने हिंदू धर्म के विरुद्ध है, ये आप बता देना। हमने शुरू किया उसी से, जो धर्म बाल काटने से कटता है वो बाल बाल बचेगा। इसी में फंसे है, देखो ये हिंदू धर्म नहीं है, उसी में बच जाते। तो हमारा ध्यान कहां होवे, देखो संतो हम अन्य से हट करके अपने पर आ जाए। और इसीलिए अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर दे दी है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा आ रहा है ये तुम्हारे कर्मों का फल है, ये कहने का था। तो तुम्हारे कर्मों का फल है माने ये देह की निर्मित के पहले तुम थे महाराज, भले किसी अन्य देह में हो लेकिन आप थे, अभाव से कुछ निर्माण नहीं होता। और यहां जो गड़बड़ी कर रहे हो उसका हिसाब देने के लिए अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, माने हम तो हमेशा है और देह से अन्य है, ये बात हो गई। अब दूसरी महत्व की बात, जैसे ध्यान से सुनना, हमको गणित बिल्कुल नहीं आता,
अभी भी नहीं याद है, जब हम गिनते भी हैं तो हमारे गणित हमेशा गलत हो जाता है। तो किसी के यहाँ गए तो उसके माँ ने उसको बोल दिया होगा, तुमको जो भी प्रश्न है स्वामी जी को पूछो, स्वामी जी को सब कुछ आता है। ये माताएं भी ऐसी चाबी भर के छोड़ देता है, और वो बच्चा गणित का पुस्तक लेके आया, स्वामी जी ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, समझाइए। मैंने पढ़ लिया, एक पानी की टंकी है उसमें दो छेद है, एक छेद से पानी निकलता है, एक छेद से अंदर जाता है। जो इनलेट है उसको ऑन रखो, आउटलेट को बंद रखो, तो पानी की टंकी 75 मिनट में भर जाती है। और यदि पानी की इनलेट बंद कर दो और आउटलेट को खोल दो तो पानी की टंकी 45 मिनट में खाली हो जाती है। तो प्रश्न ये, दोनों ही यदि ऑन छोड़ दे, पानी अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है, तो कितने समय में पानी की टंकी भरेगी? तो मैंने कहा इसी के कारण भारतवर्ष का सत्यानाश हो रहा है। लेकिन क्यों पानी वेस्ट कर रहे? तो ये जो प्रश्न पूछते हैं इसका प्रयोजन क्या है, तो हम उसका उत्तर कैसे निकालेंगे? समझो ये पानी की टंकी एक्स मिनट में भर जाएगी, और फिर वो एक्स की वैल्यू हमको एस्टैब्लिश करनी है ना, केवल एक्स लिख करके छोड़ दिया तो मार्क मिलेंगे। इसी प्रकार से जब हमको बताते हैं कि हम देह नहीं है, देही है, अब हमने मान लिया, अरे देही कौन है? फाइंड आउट। देखो परमात्मा का तो वर्णन आता है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंद दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबा याभ्यंतरो अजः। हमने इंद्र को परिषद में देखा है शिवों में, वो तो परमात्मा का वर्णन आता है, जीव का वर्णन के लिए देखा है, जीव 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 कहके उसी में बसे है। क्या जीव माने जैसा आकार है वैसा है? तो हाथी में क्या जीव चींटी में जाएगा तो चींटी बढ़ जाएगी? देखो संतो, तो ये जीव क्या है इसका चिंतन करें। जीव की गति क्या है? पाप करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, पुण्य करोगे नरक में जाओगे। ये सब हमको दिशा दिशा दिखाने का तरीका है, वास्तविकता कुछ नहीं है इसमें, इसी में फंसे रहो। देखो अब ये जीव क्या है इसको समझ। देखो ये बल्ब ले लो उदाहरण के लिए, अब इस बल्ब में जो प्रकाश है उसको ठीक से समझ लेना। केवल बल्ब ले लो तो उसमें प्रकाश नहीं है, केवल बिजली ले लो तो उसमें प्रकाश नहीं है। बिजली और बल्ब इन दोनों का जब विवाह हो जाता है तब तो उसमें प्रकाश प्रकट होता है। इसी प्रकार से केवल परमात्मा में संसार नहीं है, केवल प्रकृति में संसार नहीं है। परमात्मा जब प्रकृति से प्रकट होता है तब तो उस फिनोमेना को, उस सिद्धांत को जीवन न कहते, जीव नहीं कहते, जीवन है। जैसे ये बल्ब में लाइट है, ऐसे थोड़ी है ये लाइट धीरे अलग है, बल्ब अलग हो गए, लाइट तो एक ही है सब जगह। इसी प्रकार से हम सब जीवन है, जीव नहीं है। उस दिन हम गए थे तो कुंभ में, तो गंगा जी को क्रॉस कर रहे थे, तो हमारे साथ बाबू जी थे और एक कोई थे, तो हमने कहा कि देखो गंगा जी को देखो और बता हमको क्या देखा। फिर हम बैठे और बात कर रहे थे, हमने कहा गंगा जी में दो गतियां है पानी की, एक सामान्य गति है और दूसरी गति वहां जो भौरे होते हैं वो दूसरी पानी की गति है। सामान्य गति में सबका सब पानी एक दिशा में जा रहा है, और जो भौरे की गति है उसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में बताने क्या होता है,
तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसमें कोई कीड़ा या कोई व्यक्ति या कोई लकड़ी का टुकड़ा गया तो वो उसको नीचे खींच लेता है। अब ये चित्र सामने आ गया हो, अब अपने जीवन को देखो। हमारा सबका जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु की तरफ एक दिशा में बह रहा है, कोई नहीं बात नहीं। पहले बच्चे थे, फिर बड़े हो गए, फिर मम्मी मिले आगे, एक दिशा में सबका जीवन चल रहा है। ये जीवन की एक दिशा की गति सबके लिए सामान्य है। दूसरी गति है भौरे की। वो भौरा क्या है? देह के साथ तादात्म्य कर लिया। तो जहां देह के साथ तादात्म्य कर लिया तो उस गति में से खींच करके हम नीचे आ गए। और नीचे आकर के मैं तू 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 मैं यही जीवन शुरू हो गया। और फिर इस भौरे में हम तंग आ जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते, एक उसमें से निकल जाना चाहते। कैसे निकल जाते हैं? गहरी नींद में प्रवेश करना माने देहात्म भाव की क्षणिक निवृत्ति। और क्या है गहरी नींद में? हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं। उस समय क्या है? उस समय गंगा जी की जो सामान्य गति है उसके साथ हम हो रहे हैं। क्योंकि उसमें गंगा जी की दिशा में बहो आप लेट करके तो कोई तकलीफ नहीं, भौरे में चले जाओ तो परेशानी ही परेशानी। देखो तो हम जीवन है, जीव नहीं। लेकिन इसी को पकड़ के बैठे, पापो हम पाप कर्मा मरो फिर। बहुत सरल बात है, इसमें कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। देखो लेकिन यही दिमाग में घुस गया है। मरने के बाद आदमी कहां जाता है? ना किसी ने देखा, ना किसी ने कहा, मान लिया। थोड़ा तो चिंतन करें, क्या हम जीव हो सकते हैं? तो इसीलिए शब्द है जीवन, जीव नहीं। तो यह जो जीव जीव जो हम कहते हैं वो जीव क्या है? जैसे एक उदाहरण ले लो, एक बकेट में पानी है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा। तो सूर्य का प्रतिबिंब दो प्रकार से पड़ेगा, एक सामान्य प्रकाश से पानी और बकेट दोनों को प्रकाशित किया जाएगा, और प्रतिबिंब जो डिस्क होगी सूर्य की वहां से दूसरा प्रकाश बाहर आएगा। इसी प्रकार से शरीर रूपी बकेट में, मन रूपी पानी में परमात्मा का जो प्रतिबिंब है चिदाभास, वहां से प्रकाश निकलता है और मैं तू 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 मैं शुरू हो जाता है। और जहां ये मन एकदम शांत हो गया गहरी नींद में, वहां प्रतिबिंब नहीं, वहां मैं नहीं, वहां तू नहीं, लेकिन जीवन है। जब एक बल्ब फ्यूज होगा तो बिजली का नुकसान नहीं, एक बल्ब फ्यूज होगा तो ये सिद्धांत की हानि नहीं। जैसे जैसे सूक्ष्मता से चिंतन करते जाओ आप देखेंगे हमारा जो सबसे बड़ा पाप है, पहला पाप है संबंध और संग्रह को सत्य मानना। ये केवल मानसिक है, वास्तविक कुछ नहीं है। हम ही कल्पना करते हैं इस लड़की से शादी करेंगे तो सुखी हो जाएगी, फिर शादी कर ली, फिर दूसरी कल्पना करते हैं मेरे दुख का कारण यही लड़की है, फिर डाइवोर्स करते हैं। भैया मणिराम हमको नचा रहे हैं फिर भी हम नहीं समझते। तो इस मन को चिंतन में लगा दे, चिंतन में। तो जैसे जैसे चिंतन जमेगा आपको पता चलेगा कि यह एक ही परमात्मा सब में प्रकट हो रहा है। जब इस एक में आप आ जाओगे तो अनेकता आपको परेशान नहीं करेगी। अनेकता में फंसे रहोगे तो परेशानी के सिवा कुछ है ही नहीं। अब इसका चिंतन अपने जीवन में शुरू करो। जब जब आप दुखी होते हो
किसी अन्य को कोसने के स्थान पर ये चिंतन करो कौन दुखी होगा, तो आपको पता लगेगा अच्छा पति दुखी हो रहा है। तो पति नाम की कोई वस्तु है जो दुखी हो रही है, बस ये समझना मात्र है। वो समझने के बाद फिर नाटक करते रहो, कर्नाटक गो टू बेंगलुरु एंड डू नाटक, जिसके सामने है वैसा व्यवहार करो, होने के बाद छोड़ दो। हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, जैसे आप सत्संग का श्रवण करते हैं वैसे दुनिया की बातें सुना करो। सत्संग करने के बाद भी अपने अगर कोई फर्क पड़ता है क्या, क्योंकि असंगो हम पुनः पुनः, तो जैसे कितने महात्मा आए चले गए, सभी महात्माओं को हमने पैदल कर दिया, हमारी स्थिति दृढ़ है, तो वही टेक्निक दुनिया की बातें सुनने में लगा। यही तो सब सिंपल साधना है, अपने आप को परेशान मत करना। और जैसे जैसे आपका चिंतन सूक्ष्मता से बढ़ेगा तब पता चलेगा कि हम है कौन, बच्चे है, टीनेज है, मिडिल एज है, बुढ़ाऊ है, कि इन सब का जो एक आधार है वो हम है, कौन है। और जैसे जैसे आप अपने स्वरूप के पास पहुंचोगे दुनिया आप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे शरीर को तेल लगा करके नदी में कूद जाओ तो नदी का पानी आपको स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार से इस चिंतन की तेल मालिश करो और दुनिया में टाइम पास करो, ये ना कुछ लेना है ना कुछ लेना है। और जब कोई भी व्यक्ति काम टाइम पास करने के लिए करता है, ध्यान से सुनना, उसमें मैं निर्माण नहीं होता। जहां मैं निर्माण होता है वहां संसार शुरू हो जाता है। संसार शुरू होना माने क्या, माने चिंता करते रहना, पता नहीं बच्चों का बड़ा होने के बाद क्या होगा। केवल चिंतन करो, हम अपने माँ बाप को लेकर के कभी इतने दुखी होते हैं क्या जितने बच्चों को लेकर के होते हैं, नहीं। कारण माँ बाप जैसे है वैसे स्वीकार किए। कभी किसी के दिमाग में ऐसा प्रश्न आता है क्या, काश मेरी माँ माधुरी दीक्षित की जैसे होती, नहीं, जैसी है वैसी है, देयर इज अ चॉइस, कोई चॉइस नहीं। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं मेरा बेटा ऐसा हुए, मेरा बेटा वैसा हुए। लोगों के बेटे जो है वो तो मेरिट में आते हैं, मेरा बेटा क्यों फेल होता है। अरे इमली के पेड़ को आम नहीं लगते। उसी को लेकर के चिंता चिंता चिंता। देखो एक चिंतन की पराकाष्ठा आपको बताए, एक बहुत बड़े संत हो गए वृंदावन में, उनका नाम था कोकिल साई महाराज। पहले पाकिस्तान, मैंने पहले जो भारत था उसमें वो रहते थे पाकिस्तान के क्षेत्र, तो उनके माँ बाप को कोई अपत्य नहीं था और बुढ़ापे में जाकर के हुआ। बहुत अच्छे घर के, अमीर घर के, बड़े दान धर्म करने वाले, हमेशा दान धर्म करते थे। जब इनको बालक हो गया तो भी इनकी दान धर्म की प्रक्रिया जारी रही, बंद नहीं करी। तो समाज के लोग उनको कहने लगे कि देखो अब तो आपको बालक हो गया है, उसके लिए कुछ बचा के रखो, इतना दान धर्म करोगे बच्चा क्या करेगा। उन्होंने कहा देखो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा इतना नालायक नहीं होगा कि उसके लिए मुझे बचा के रखना पड़ेगा, वो तो मेरे से भी बड़ा होगा और वो एक बड़े संत बने। हमको तो ऐसे लगता है हमारे कारण बच्चे बड़े हो रहे हैं, माने जिनको माँ बाप नहीं है वो बच्चे हमसे इतने रहे, क्यों बेटा तुम बढ़ते क्यों नहीं, मम्मी डैडी है इतने बड़े। क्या सुबह उठ करके मम्मी डैडी हवा भरते थोड़ा बढ़ गया। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता आमिति मन्यते, जहां अहंकार जागृत होता है वहां चिंता शुरू हो गई, और जहां साधक जागृत होता है वहां चिंतन शुरू हो गया। तो हम अपने आप को
यदि साधना के क्षेत्र में रखेंगे तो चिंता नहीं करेंगे। देखो जैसे कबीर जी कहते हैं, भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति है कि हमारा मोक्ष हो जाता है, तो वाराणसी में जाकर के मरने का दुराग्रह क्यों? माने हमको डाउट है दोनों पर, वाराणसी पर भी और राम पर भी। फिर राम जी कहेंगे अच्छा ट्राई करना वाराणसी, वाराणसी कहेगी ट्राई करना राम में, और दोनों घर पे गए। जैसे कोई मेहमान दो घर में जाए तो भूखा रहता है। यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, और भक्त लोग क्या कहते हैं हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो भक्ति चाहिए, फिर काहे को वाराणसी आ रहे, चले जाओ यहां से। क्योंकि वाराणसी आपको भक्ति नहीं देगी, मुक्ति देगी। तो ये जो भगत लोग होते हैं ना, बड़े चालू टाइप के, दोनों प्रकार से भक्ति भी चाहिए मुक्ति भी चाहिए, ऑप्शन है, दो में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। ये सब भ्रांतियां जो है ना, यही मन में चिंता निर्माण कर देती है। तो जैसे जैसे अपने स्वरूप का हम निर्णय लेना शुरू करेंगे, एक ही तत्व सब में प्रकट होगा, यही बात पूरी भगवद गीता में हजार बार बताई, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहरण च, मेरे ही कारण यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये हो रहा है। देखो एक वाक्य हम कहते हैं, इसका उत्तर कौन दे सकता है? मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में कुछ बुरे सपने भी आए थे, ये कौन कह सकता है? जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि जागृत पुरुष सुषुप्ति में नहीं था। ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो सपने में नहीं था। फिर भी ये कहते हैं, कौन कहता है? तो ये वाक्य कहने वाला वो है जो सुषुप्ति में था लेकिन सो नहीं रहा था, जो सपने में था लेकिन जो स्वप्न पुरुष नहीं बना, और जो जागृत में होते हुए भी जागृत पुरुष को जिसने मय के रूप में ग्रहण नहीं किया, वो एकमात्र तत्व ही यह बात कह सकता है। इसीलिए जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी, आपकी चिंतन की धारा बड़ी सूक्ष्म चलेगी, और फिर इसी भगवद गीता के आपको भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होने लगेंगे। जैसे भगवद गीता में शरणागति बताई है, क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, परम उसमें फंस गए। भगवान कृष्ण के शब्द सीधे नहीं होते, वो भी टेढ़ा था, उसके शब्द भी टेढ़े हैं, उसके लिए आपको टेढ़ा बनना पड़ेगा। क्या कहते हैं वो, सर्वधर्मान पर सबका त्याग कर दो, इसके पहले ये तो सोचो अपना है क्या, किसका त्याग करोगे? जैसे किसी अन्य के पत्नी को डायवोर्स नहीं दे सकते, इसी प्रकार से इस दुनिया में हमारा है क्या कि जिसका त्याग करेंगे? माने सर्वधर्मान परित्यज का तात्पर्य है, पहले इसके इंक्वायरी करो कि अपना क्या है। तो कुछ है ही नहीं तो किसका त्याग? देखो इस समय आपकी जो स्थिति है, इस स्थिति में नित्य निरंतर रह करके ये जगत का नाटक खेलते हो, सभी समस्याओं का समाधान केवल एक शब्द में है, और वो शब्द है ये दुनिया क्या है, रामलीला कृष्ण लीला। लीला माने क्या, ऐसा दिख रहा है कि कुछ हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा कुछ, जैसे ऐसे दिख रहा है कि आप सुन रहे हो, यहां से बाहर जाके चप्पल पहनेंगे फिर वही बेदुड़ी चार बेतिया से शुरू,
और ये दुनिया का जो नाटक चल रहा है, लीला चल रही है, इसमें दो जगह है, एक तो ऑडियंस है और एक तो एक्टर है स्टेज पर। ऑडियंस मत बनो, एक्टर बनो। ऑडियंस बनोगे तो पैसे खर्चा करना पड़ेगा अंदर आने के लिए, एक्टर बनोगे तो पैसा मिलेगा स्टेज पर अंदर आने के लिए, और एक्टर बनोगे तो रोने का नाटक करोगे और पैसा मिलेगा, और ऑडियंस बनोगे पैसा देकर के सचमुच रोओगे। जैसे जैसे ये सूक्ष्म चिंतन चलता रहेगा, आप साधना करना छोड़ दोगे, केवल एक बात रहेगी, आपके माध्यम से साधना होने लगेगी। तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ने तत्त्वमिति पश्यन् श्रुणन् स्पृशन्ति ग्रहन् अश्नन् अचन्। एक दो तीन चार बारह सबकी सब जितनी भी हमारी क्रियाएं है वो हो रही है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्ने। जहां अहंकार जन्म हो गया वहां चिंता है, जहां अहंकार खत्म हो गया वहां चिंतन है। इसीलिए संतो, चिंता और चिंतन इसका मूल दो स्थानों से है। चिंता प्रारंभ होती है संसारी के जीवन, और चिंतन प्रारंभ होता है साधक के जीवन। संसारी से साधक बनने के लिए केवल एक ही बात की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जिसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है, साधुरेवस्त मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, दस फार नो फर्दर, अब बहुत हो गया, शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो।